दो बेटियों के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि जो उनकी बेटियां हैं वो अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करें। क्योंकि बेटा नहीं है, दो बेटियां हैं, यही हम दो मियां बीवी रल मिल के हम कर लेते हैं। बच्चियां की फीसा इतने आप प्राइवेट पढ़ा महंगाई है, कोई चीज ले ही नहीं जाते। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं फरहान जफर। नाज़रीन, वालदैन अपनी औलाद के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सारी ज़िंदगी अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेहनत करते हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही वालदैन से करवाने लगे हैं जो कि अपनी दो बेटियों के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि जो उनकी बेटियाँ हैं वो अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करें। अल्लाह रखा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ये काम कब से कर रहे हैं और आपकी इस काम करने के पीछे जो आपने ख्वाहिश मुझे बताई है कि आपकी दो बेटियाँ हैं और आप चाहते हैं कि वो अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करें, तो हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं आप उनको बताइए कि ये आप काम कब से कर रहे हैं और ये जो आपकी वाइफ हैं जो आपके साथ हाथ बटाती हैं इस काम में, ये कितने अरसे से आपके साथ हैं? ये तकरीबन 2 साल से है मेरे साथ। मैं अगर नमाज के लिए जाता हूँ तो इधर खड़ी हो जाती हूँ, अगर खाना खाने के लिए गया तो इधर खड़ी कर दूँ, क्योंकि बेटा नहीं है, दो बेटियाँ हैं, यही हम दो मियाँ बीवी रल मिल के हम कर लेते हैं। ये बताइएगा कि आप इसके अलावा भी कोई जॉब करते हैं? प्राइवेट है। प्राइवेट जॉब? हाँ जी। अच्छा, तो आपने बताया कि मैं खाना खाने जाता हूँ या कोई इस तरह दूसरे काम करने जाता हूँ तो ये यहाँ पे खड़ी होकर डील करती हैं ग्राहकों को, तो आप ये बताएं कि आपकी ख्वाहिश क्या है? जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? यही देना चाहता हूँ, बेटियाँ हैं उनका शादी भी करनी है, कोई इमदाद कर दें, अपील है उनसे, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। वालदैन हैं, अल्लाह रखा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत के हवाले से मेहनत करते हैं, शाम के टाइम स्टॉल लगाते हैं। आप देख सकते हैं माजी जो हैं वो बना रही हैं और हमारे जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर, इनका नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और इनको जो डोनेशन आप लोग देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मेहनत कर रहे हैं और असल हकदार हैं, हमें ढूंढना चाहिए असल हकदारों को। कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं? यही अपील है मेरी बेटियों का, अच्छा मुस्तकबिल हो जाए, बन जाए, पढ़ाई अच्छी हो जाए भाई, यही अपील। अच्छा माँ जी, आप बताएं कि आप अपने शोहर के साथ यहाँ पे उनका हाथ बढ़ाती हैं, काम करती हैं, तो क्या ख्वाहिश है आपकी और आप क्या कहना चाहती हैं? ये ख्वाहिश है भी लोग मदद कर दें, अल्लाह मेरी बेटियाँ कामयाब करे, पढ़ाई का सारा कुछ है, गरीब लोग हैं, बस मेहनत ही करनी है ना, और क्या करना, आजकल जैसे हालात चल रहे हैं इतनी महंगाई है। मियाँ काम करता है, रात में मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ, नमाज पढ़ने जाता है या और कोई काम चला जाता है तो फिर इधर ही खड़े होते हैं, चलो बच्चियाँ की मदद हो जाती है ऐसे बहाने, अपनी भी मियाँ की भी, बच्चियाँ की फीसा इतनी आप प्राइवेट पढ़ा महंगाई है, कोई चीज़ ले ही नहीं जाती। क्या कहना चाहेंगी जो गवर्नमेंट के हालात हमें देख रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? मदद कर रहे हो तो उन्होंने बहुत शुक्रिया है, जैसे बच्चों के हालात चल रहे हैं आजकल, फीसा इतनी ज़्यादा ज़्यादा है ना, हालात अगू इतने ख़राब हुए हुए हैं ना, कारोबार सारे बंद हो पड़े हैं ना, कोई सही कारोबार है ना कुछ ना काम। इन वालदैन की गुफ्तगू आपने सारी सुनी और हमारे जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं इनका जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अल्लाह रखा साहब का, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और मेहनत कर रहे हैं अपनी दो बेटियों की खातिर और चाहते हैं ये हैं कि वो अच्छी तालीम और तरबियत हासिल कर सकें और अच्छी जगहों पर उनके रिश्ते हो सकें, तो इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फरहान जफर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।